दोस्तों आज हम बात करेंगे कि ये डिस्प्ले रेजोल्यूशन जो कि 2K, 4K, 8K होता है या आखिर होता क्या है और एक किसी पर्टिकुलर डिस्प्ले पे आखिर फर्क कैसे डालता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर रेजोल्यूशन होता क्या है। ये एक्चुअली में एक नंबर होता है जो हमें ये बताता है कि किसी डिस्प्ले के अंदर टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स कितने होते हैं। अगर आपको पिक्सल नहीं पता तो ये आपके डिस्प्ले के अंदर छोटे छोटे डॉट्स होते हैं जिनसे लाइट निकलती है और जो अलग अलग तरह के कलर्स को प्रोड्यूस करते हैं और ये कई सारे पिक्सल्स मिलकर ही डिस्प्ले पर एक इमेज को ही फॉर्म करते हैं। एक्चुअली में ये नंबर होता है मल्टीप्लीकेशन जो कि हॉरिजॉन्टल में कितने पिक्सल्स है और एक वर्टिकल अलाइनमेंट में यानी कि चौड़ाई में और लंबाई में कितने सारे पिक्सल्स हैं। एक एग्जांपल के तौर पर जो फुल एचडी होता है उसके अंदर होते हैं 1920x1080 यानी कि 1920 और 1080 को अगर हम मल्टीप्लाई करें इसका जो नंबर आता है लगभग 20 लाख के पिक्सल्स के आसपास होता है। तो ये हॉरिजॉन्टल पिक्सल्स और वर्टिकल पिक्सल्स का ही मल्टीप्लीकेशन होता है। नॉर्मली 16:9 के एस्पेक्ट रेशियो में ऐसे ही होता है लेकिन जो नए 18:9 का जो एस्पेक्ट रेशियो आता है उसके अंदर जो फुल एचडी होता है वो होता है 2160x1080। तो ये बात तो हो गई रिजोल्यूशन। अब बात करते हैं कि जो 2K, 4K, 8K में जो K होता है उसका आखिरकार मतलब क्या होता है। तो जो K होता है उसका मतलब होता है 1000 यानी कि अगर 1K है तो 1000 पिक्सल्स और 2K है तो 2000 पिक्सल्स और ये बताता है कि हॉरिजॉन्टल लाइन में यानी कि चौड़ाई में एक डिस्प्ले के अंदर टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स कितने हैं। एक एग्जांपल के तौर पे फुल एचडी का रेजोल्यूशन होता है 1920x1080 तो 1920 इसके हॉरिजॉन्टल में इसके पिक्सल्स हैं तो लंबाई में जो इसके पिक्सल्स होंगे वो होंगे 2000 यानी कि 2K। तो हम इस रेजोल्यूशन को 2K बोलेंगे। वही जो फुल एच डी प्लस है उसके अंदर 2160x1080 है तो ये भी 2K ही कहा जाएगा। और वहीं हम बात करें क्वाड एच डी रेजोल्यूशन की तो वो होता है 2560x1440 यानी कि जैसे 1440p भी कहा जाता है ये भी 2K ही होगा। लेकिन अगर मैं टेक्निकली इसके बारे में बताऊंगा तो ये एग्जैक्टली 2.5K डिस्प्ले होगा। तो ये अलग अलग टाइप से रहते हैं कि अलग अलग एस्पेक्ट रेशियो अलग अलग रेजोल्यूशन से होते हैं और जितनी लंबाई में जितने पिक्सल्स होंगे तो उसके आगे हम उतना K लगा देते हैं। और अगर हम बात करें 4K की तो 4K में 4000 हॉरिजॉन्टल पिक्सल्स होते हैं जो कि 16:9 के एस्पेक्ट रेशियो वाला जो टीवी होता है जिसे हम 4K टीवी कहते हैं उसके अंदर होते हैं 3840x2160। तो K का मतलब यही रहता है कि किसी हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर कितने रेजोल्यूशन है। और अगर हम 8K की बात करें यानी कि आने वाले 5-6 साल के बाद जिस रेजोल्यूशन के टीवी हमें देखने को मिलेंगे तो 8K होता है 7680x4320। ये बहुत ही नई चीज है और इसका कंटेंट भी बहुत कम है और दुनिया में बहुत ही कम डिस्प्ले है जो 8K के होते हैं। तो ये चीज होती है रेजोल्यूशन। तो रेजोल्यूशन का आखिर फर्क कब पड़ता है, कितना पड़ता है, कहां पे ज्यादा फर्क पड़ता है, कहाँ पे कम फर्क पड़ता है, अब इसके बारे में बात करते हैं। तो अगर हम अभी बात करें 720p की तो वो लगभग 1K के बराबर होता है यानी कि 1280x720। और 720p रिजोल्यूशन का जो डिफरेंस होता है वो आप किसी भी डिस्प्ले पे देख सकते हैं। जैसे आप अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे देख सकते हैं, टीवी की स्क्रीन पे देख सकते हैं, मॉनिटर की स्क्रीन पे देख सकते हैं। यानी कि जब एचडी से कोई चीज फुल एचडी होती है तो आप किसी भी डिस्प्ले पर है तो आप सीधा सीधा फर्क देख सकते हैं। इसका मतलब ये रहता है कि इमेज की जो शार्पनेस और जो क्लैरिटी है इमेजेस की वो सारी सही हो गई है लेकिन इमेजेस के कलर्स पे रिजोल्यूशन का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये सब फर्क पड़ता है कि कौन सी डिस्प्ले टेक्नोलॉजी इस पे काम की गई। और डिस्प्ले टेक्नोलॉजी के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूं तो आई बटन में उसका लिंक दे रहा हूं तो वो वीडियो भी आप जाके देख सकते हैं। और सीधी बात है कि जब भी ज्यादा रेजोल्यूशन होता है तो ज्यादा से ज्यादा क्लियर इमेज आपको देखने को मिलती है। अगर हाँ किसी भी मोबाइल का डिस्प्ले अगर फुल एचडी रेजोल्यूशन में आता है तो अगर उसके ऊपर वाला भी रेजोल्यूशन वाला मोबाइल आप लेंगे तो आप नंगी आंखों से फर्क बता ही नहीं सकते कि आखिर फुल एचडी वाला डिस्प्ले ज्यादा शार्प है या क्वाड एचडी वाला, ये बता पाना नामुमकिन ही होता है। फॉर एग्जांपल के तौर पर सोनी का एक 4K स्मार्टफोन आता था और उस डिस्प्ले के अंदर भी आपको सेम वैसी क्वालिटी मिलती थी जैसे किसी नॉर्मल 1080p वाले फोन में मिलती है। अगर हम सैमसंग के क्वाड एचडी डिस्प्लेस की बात करें जो S8, S8 प्लस, S9, S9 प्लस, नोट 9 में आने वाला है तो उसके अंदर आपको क्वाड एचडी यानी कि 1440p वाला डिस्प्ले देखने को मिलता है लेकिन उसके अंदर भी जो इमेज की जो शार्पनेस है उसके ऊपर डिफरेंस बता पाना काफी ज्यादा मुश्किल है क्योंकि पिक्सल इतने सारे होते हैं और इतने छोटे होते हैं कि अगर आपने हाथ में अगर आपने फोन पकड़ रखा है तो पिक्सल्स के बीच में डिफरेंस बता पाना काफी सारा मुश्किल हो जाता है। तो इंडिविजुअल पिक्सल्स के बीच में डिफरेंस बता पाना मुश्किल हो जाता है लेकिन कलर्स के बीच में डिफरेंस बता पाना मुश्किल नहीं होता क्योंकि सैमसंग के फोन से रहते थोड़ी अलग टाइप की टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं डिस्प्ले टेक्नोलॉजी का, ये चीज काफी सारी अलग हो जाती है। तो डिस्प्ले टेक्नोलॉजी का ज्यादा फर्क पड़ता है उस समय ना कि रिजोल्यूशन का। और रिजोल्यूशन का सबसे बड़ा फर्क जो पड़ता है वो पड़ता है वर्चुअल रियलिटी या VR में। अगर आपके पास कोई हाई रिजोल्यूशन डिस्प्ले वाला VR है तो सीधी बात है उसमें आपको ज्यादा शार्पनेस इमेज देखने को मिलेगी यानी कि अगर आप नॉर्मल फोन में अगर फुल एचडी फोन है अगर आपने उसे VR ग्लास में लगाया तो आपको शार्प इमेज देखने को मिलेगी कंपेयर की अगर आपने एक HD वाली स्क्रीन का फोन लगाया हो। और अगर आपने सैमसंग का क्वाड HD डिस्प्ले वाला फोन लगा लिया तो आपको ज्यादा अच्छी शार्पनेस भी देखने को मिलेगी। और अगर मैं बात करूं मॉनिटर की तो 15 इंच से छोटे मॉनिटर तक HD डिस्प्ले चल जाता है क्योंकि मॉनिटर को हम हाथ में नहीं पकड़ते स्मार्टफोन की तरह, हम मॉनिटर को थोड़ी दूर पे रखते हैं डेस्क पे और उसको हम थोड़ी दूर से देखते हैं। तो इससे ये रहता है कि जो मॉनिटर पे पिक्सल्स के बीच में डिफरेंस बता पाना मुश्किल हो जाता है लेकिन जैसे ही 15 इंच से ज्यादा बड़ा साइज होता है तो वहां पे फुल HD रिजोल्यूशन का पता चलने लगता है। लेकिन वहां
जहां भी 4K रिजोल्यूशन का पता नहीं चलता। यहां तक कि जो 32 इंच के नॉर्मल टीवीज आते हैं, कई सारे सस्ते टीवीज जो आते हैं, जैसे Xiaomi का ही 32 इंच का टीवी ले ले तो वो HD रिजोल्यूशन के साथ आता है। तो अगर हम उस टीवी को पास से देखें तो हम शायद फुल HD और HD में फर्क बता पाए, लेकिन जैसे ही वो फुल HD में आएगा, अगर उसके ऊपर उसके रिजोल्यूशन बढ़ाते तो शायद फर्क आंखों से देखने को पता ही ना चले, क्योंकि टीवी को हम ज्यादा पास से देखते नहीं, हम थोड़ी दूर से देखते हैं, इसलिए कई बार डिफरेंस बता पाना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। हाँ, लेकिन अगर फुल HD और HD टीवी है तो वहाँ डिफरेंस बता पाना पॉसिबल होगा। और अगर मैं बात करूँ 50 इंच 55 इंच की टीवीज की, तो वहाँ पे 4K रिजोल्यूशन इसलिए मैटर करता है क्योंकि अगर 1080p डाल देंगे तो वहाँ पे चीजें पिक्सेलेट होने लगेंगी, आपको ज्यादा से ज्यादा पिक्सल देखने को लगेंगे, इसलिए ज्यादा बड़ी स्क्रीन होते ही आपको ज्यादा से ज्यादा रिजोल्यूशन करना पड़ता है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जो पिक्सेलेशन है स्क्रीन के अंदर वो काफी ज्यादा बढ़ने लगेगा। और अगर मैं बात करूँ टीवी और फोन के डिस्प्लेस के बीच में, तो टीवी को आप थोड़ा सा दूर रखते हो तो वहाँ पे कई बार आपको फुल HD और HD के बीच में आप फर्क नहीं बता पाते, लेकिन अपने फोन को आप अपने हाथ में पकड़ते हो वहाँ पे आप कई बार डिफरेंस पता लगा लेते कि फुल HD और HD में कितना है, लेकिन एक लिमिट के बाद ही डिफरेंस बता पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपकी स्क्रीन काफी छोटी है और उसका रिजोल्यूशन भले ही कम है तो भी शार्पनेस में उतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपकी स्क्रीन बड़ी है और उसका रिजोल्यूशन भी कम है तब शायद आपको ज्यादा फर्क पड़ सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर 2K 4K और 8K रिजोल्यूशन क्या होते हैं और कौन सा रिजोल्यूशन से आपको ज्यादा फर्क पड़ता है, और टीवी में, मोबाइल में, कंप्यूटर की स्क्रीन में आखिर डिफरेंस क्या होता है रिजोल्यूशन का। तो मुझे उम्मीद है कि ये बातें भी आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या आप चाहते हो मैं पर्टिकुलर किसी टॉपिक को एक्सप्लेन करके वीडियो बनाऊं, तो वो बात ना आप नीचे कमेंट में लिख सकते हो। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।